इधर से सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तो लेपर्ड दिखाई देता है इधर। अच्छा देखा है आपने? और कई बार शुद्ध हवा के लिए सही बात है। और यहाँ के लोग गौरा देवी राज राजेश्वरी देवलगढ़ और यहाँ भी जा रहे हैं हम और देवलगढ़ की तरफ जा रहे हैं। भरपूर ब्यूटी है, आप लोग आ सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रेरित कर सकूँ कि इस एरिए में भी आए। पौड़ी गढ़वाल अनटच्ड है अभी तक। बहुत टफ हो गया, इट्स गेटिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप यहाँ पे आइए और यहाँ के होम स्टेज वगैरह में रुकिए ताकि यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के लोकल्स को भी रोजगार मिले। तो ये भी बंद है, चलते हैं ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवलर पाल पर। ये नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, खिरसू से देवलगढ़ तक का रोड ट्रिप। मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, शायद यूट्यूब पे कोई रोड ट्रिप का खिरसू से देवलगढ़ का वीडियो है भी नहीं, और ये मैं पहली बार आपके लिए लेके आया हूँ। देवलगढ़ बहुत मशहूर गढ़वाल के राजाओं की एक कर्म भूमि है, वहाँ पे उनके टेंपल्स बने हुए हैं और वहाँ की शिल्प शैली बहुत फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं रोड ट्रिप फ्रॉम खिरसू टू देवलगढ़ और आगे चल के धारी देवी और ऋषिकेश तक हम जाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो, स्टार्ट करते हैं। ना आप लोग साफ कर लिया करो, कई बार कोई आदमी वीडियो बनाता है ना जी, तो वो क्लियरिटी नहीं आती। जी सर, सर एक्चुअली बहुत दिन से गाड़ी चली नहीं ना। अच्छा खड़ी हुई थी? जी खड़ी थी, सुबह तो धक्के में स्टार्ट की जब। अब ऐसा नहीं रास्ते में कहीं धक्का? ना 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 ना, अब तो कोई, अब रनिंग में बैटरी चार्ज हो गई ना उसकी। अच्छा वो थोड़ी जी बैटरी डाउन है। जी यहीं से? हम तो यहीं यहीं के रहने वाले मैम। अच्छा तो गाड़ी यहीं से आई? जी यहीं के हम लोकली। व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं और निकलते वक्त प्रकृति सुंदर दृश्य सामने आते जा रहे हैं एक के बाद एक। कोई नहीं, आप चलते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए, बहुत सुंदर। ये हमारा घर, हमारा घर पड़ोसी। अच्छा इधर जी ये ग्रीन, हाँ ये भी हमारे ये हमारे भाई का ही परिवार होंगे ना, पूरा हमारा फैमिली इधर। वो ये ना होम स्टे जो लेडी जी 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 होम स्टे, सुंदर जगह है। हम दो दिन रुके हैं लेकिन सोच रहा था एक दो दिन और रुकते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट वो है ना कल दशहरा है जी, जी सर हाँ, उसके बाद फिर छुट्टी नहीं है जी जी जी। अगेन सर वेलकम। हाँ बिल्कुल फिर आएंगे। तो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्यूअर्स ऑडियंस, ये वाला रोड ट्रिप फ्रॉम खिरसू टू श्रीनगर, बीच में धारी देवी होते हुए पूरा रोड ट्रिप देवलगढ़ और धारी देवी होते हुए श्रीनगर। तो पूरा आपको रोड ट्रिप दिखाएंगे, ये जैसा भी रोड रहने वाले, बहुत खूबसूरत रास्ते अभी तक तो आप देख भी सकते हैं, बहुत ही मनभावन मतलब मनमोहक रास्ता है ये पहाड़ों का जो खिरसू से हम निकले हैं और देवलगढ़ की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा है ना, बंदर पहले नहीं होते थे सर यहाँ, अभी जब से ये हो गया ये एनएम सेंटर हो गए, हॉस्टल हो गए ना, ये कचरा सब इधर ही डालते हैं नज़दीकी, वो खा लिए चक्कर में। उनके चक्कर में लंगूर तो होते थे लेकिन जंगलों में रहते थे। अच्छा घर पे नहीं आते थे लंगूर, जंगल में कुछ रही नहीं। इधर जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तो लेपर्ड दिखाई देता इधर। अच्छा देखा आपने? और कई बार एक रास्ता तो उसका यही यहीं पे पत्थर। अच्छा ऊपर जाता है जब नहीं, सुबह के टाइम तो ऊपर जाता है, शाम को आता नीचे। अच्छा शाम को नीचे आता है, बस्ती के दूर है। क्या करने आता है इधर? वो मैं शिकार शिकार करने, अगर बाय द वे कोई कुत्ता वैसे ही कुत्ता उत्तर लावारिस सड़क के तो हुए हैं अटैक वगैरह हुए बच्चे जान उस पे गाय भैंस पे? बिल्कुल करते हैं सर। अच्छा उन्होंने कहा शाम के बाद नहीं जाना बाहर। है लेपर्ड वगैरह है ना, कितनी खूबसूरत ये पहाड़ है ऊपर, सामने जो है पूरा पेड़ों से लदा हुआ है, बहुत घना है, रास्ता बड़ा खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ 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 हा। जंगल टाइप ही है ये तो ना, ये वाला जो है
तो रास्ते में कई गांव पड़ते हैं खिजू तक आने के लिए? जी जी जी, बहुत सारे गांव पड़ते हैं। ये लिखा हुआ है खाकरा गिला खाल, खाकरा गिला खाल, ये गया मेन हाईवे खाकरा मिलता है, ये वाला ये खाकरा की तरफ जाता है। तो ये कई अलग अलग गांव है रास्ते में? जी अलग अलग गांव। ये रूट श्रीनगर की तरफ जाता है, लेकिन हम लोग शायद बीच में कट जाएंगे। जी, बुगानी से रास्ता कटेगा जी, राइट हैंड लेना हमने देवलगढ़ के लिए। देवलगढ़ के लिए जी, ओडलर नाम है वहाँ का, ओडलर जी। तो वहाँ से राइट हैंड पे टर्न करेंगे हम और देवलगढ़ की तरफ निकल जाएंगे। देवलगढ़ की तरफ, वहीं से सीधे आगे मेन आगे मिलता है चमदार नाम का। चमदार जी, चमदार से हम फिर राइट हैंड के लिए जाएंगे दारी देवी के लिए। अच्छा अच्छा, देवलगढ़ से पास ही दारी देवी जी। दूर दूर तक फैली हुई घाटियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। सुबह सुबह निकले हम, हालांकि 9 बज गए, अब तो 8 बजे निकलना था लेकिन थोड़ा लेट हो गए निकलते निकलते। बट एनीवे चलते ना, ब्लोरो वाले जो गाड़ी लेके चलते हैं ये तो बहुत फास्ट चलते हैं, ये तो कहीं ब्रेक ही नहीं लेते। नहीं लेते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि आप लोग घूमने के पर्पस आए, इसलिए हम धीरे धीरे चलते, नहीं तो हम भी अभी आप हमें कहाँ छोड़ेंगे? श्रीनगर है जी, दर्शन करा के श्रीनगर छोड़ेंगे जी। जी जी, ठीक। देवलगढ़ में किस देवता का वो है सर? ये एक गौरा माता है। अच्छा, राज राजेश्वरी, गौरा माता और राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी जी। अच्छा, वो इस एरिया के मतलब मेन जैसे ग्राम देवता टाइप है? जी जी जी। अच्छा अच्छा, बावन गढ़ों में से एक गढ़ ये भी है देवलगढ़, जो बावन गढ़ होते हैं ना गढ़वाल में। अच्छा, गढ़वाल के बावन गढ़ों में से एक ये है देवलगढ़। देवलगढ़ भी है सर। अच्छा अच्छा, वो गाना सुना होगा आपने, वीर भरों को देश पावन गढ़ों को देश। बता दूं देवलगढ़ जो है खिरसू से, पौड़ी गढ़वाल के खिरसू से 15 किलोमीटर दूर है, और जो नीचे जो शहर है श्रीनगर वहाँ से 19 किलोमीटर दूर है। इसका नाम जो पड़ा है कांगड़ा के राजा थे किंग देवल, उनके नाम पे पड़ा है। इसकी बाकी हिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में देवलगढ़ पहुँच के बताएंगे। राज राजेश्वरी टेम्पल बड़ा रीगल इतिहास है, तो उसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको वहाँ पहुँच के। पलायन बहुत ज़्यादा हुआ है सर, बहुत ज़्यादा है ना, जब से गांव-गांव में रोड गई ना तब से बहुत ज़्यादा पलायन जो है ना, पलायन तो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन जो गांव में रोड गए उनने कहा तब घर पे जो भी है घर का सामान ट्रक बुक करो और सीधे देहरादून ले चलो। देहरादून सभी लोग देहरादून पहुँच गए बिल्कुल, बोलने के लिए साहब हम देहरादून नहीं, देहरादून नहीं, पता चल रहा है कि पता नहीं कौन 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 से गदेरों में बसे हैं। हाँ, वो बिल्कुल दूर दराज कहीं जंगलों में, जंगलों में भाई समस्या है पलायन की। इसका एक है ना तरीका मेरे ख्याल यही है कि होम स्टे वगैरह जी सर, ऐसा कोई रोजगार का यहाँ पे काम ज्यादा गवर्नमेंट ने मतलब इसीलिए होम स्टे के लिए लोन वगैरह भी जी, लोन भाई तुम अपने घर पे ही बना दो। हाँ, लोन की स्कीम चल जाए ना, ना वो स्कीम तो चल रही सर, चल रही है ना लोन वाली, वो तो बहुत पहले से बहुत पहले क्या जब प्लान हुआ था तभी से शुरू हुआ, तभी से स्टार्ट किया हुआ ना। हमारे इधर तो फिर भी कम है, बट हर गांव में देखा मैंने तो बहुत ज्यादा है। जमीन जमीन मकान मकान तो बना रखे हैं लेकिन गए नहीं हमारे यहाँ से, तो अब किराए पे दे रखे हैं किराए पे। अच्छा, ये पौड़ी गढ़वाल का एरिया ना? जी सर, ये सारा पौड़ी गढ़वाल के पोर्ट्स में आता है। चल ठीक है, मिलना। देखो सर, नाती पोते बच्चे सब बाहर हैं। अच्छा, ये जो लेडी है मेरी मम्मी की बड़ी बहन है नहीं? आप? अच्छा, मौसी, आपकी मौसी? आप जेठी माँ बोलते हैं? जेठी माँ जी।
जी जी बोले तो बच्चे सारे बाहर हैं? बच्चे बाहर हैं दोनों, वही हैं मेरे ताऊ जी और हस्बैंड वाइफ। हाँ हस्बैंड वाइफ। कितना अच्छा मकान बना गया देखो, जिन्होंने करना था वो तो आपने दाएं बाएं भाग गए, वही ना है कि नहीं। लेकिन तबियत डाउन रहती है, ऐसी भी नहीं है, बुजुर्ग लोग बचे हुए। हाँ जवान, ये रहा सर उनका मकान, ये देखो। अच्छा ये वाला जी मकान भी अच्छा बनाया है, मकान अच्छा बनाया है। तो लेडी जो है बुजुर्ग है, वही तो बोला खेती बाड़ी करने की आवश्यकता तुम्हें क्या। और ताऊ जी हमारे आर्मी रिटायरमेंट है सुबेदार। अच्छा जी सी उसके, बस ये समस्या है पलायन की, नई पीढ़ी के बच्चे सब निकल गए और बुजुर्ग लोग रह गए ज्यादातर। यहाँ आपको बुजुर्ग मिलेंगे ज्यादातर। जी सर वो तो ही, जो नया जनरेशन है वो कोई टिकने के लिए तैयार ही नहीं कर रहे। नहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं सब। पलायन का अभिशाप लगा हुआ है पहाड़ पे, बिल्कुल। नई पीढ़ी ज्यादातर बाहर जा रही है। बाहर के लोग इधर की तरफ भाग रहे हैं हवा के लिए। सही बात है। और यहाँ के लोग शहर की तरफ। मैम ऐसा है ना, शुद्ध वातावरण है, शुद्ध हाँ, आब हवा है, पानी है, वातावरण यहाँ पे थोड़ा हाँ। साफ है, पानी है, हवा पानी साफ है। लेकिन वो ये युवा वर्ग जो है अपनी बेहतर जिंदगी बेहतर रोजगार की तलाश में बस इसी चक्कर में वो वहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, वो कह सकते हैं अंधी दौड़ है पैसे की और सुविधाओं की, उस लालच में तो युवा पीढ़ी बाहर निकल रही है ना। वहाँ जाके फिर उनको वही साफ हवा भी नहीं मिलती है और साफ पानी भी नहीं है, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं, हमें पता है। तो तभी तो यहाँ पे टूरिस्ट इतना आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ रोजगार मुहैया ज़्यादा कराने की ज़रूरत है, तभी युवा पीढ़ी रुक सकती है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है पलायन को रोकना। पलायन रोकना तो सर बहुत टफ, बहुत टफ हो गया। इट्स गेटिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये पौड़ी गढ़वाल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ, इनसे निकलते हुए ये रोड ट्रिप मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के रोड, किस तरह के यहाँ पे। अभी तक तो रोड की कंडीशंस बहुत ही शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कोई एक आध जगह पर कहीं कोई थोड़ा सा टूटा हुआ जैसे पीछे एक जगह मिला था, पर कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम कहीं नहीं है, बिल्कुल क्लियर रोड है, फर्स्ट क्लास। यही रोड है जो श्रीनगर तक भी जा रहा है ना। जी सर। श्रीनगर यहाँ का सबसे बिजी जो शहर कह लो, कस्बा कह लो ना, और वहाँ पे हर तरह का आपको मार्केट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स सभी कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। हाँ मेडिकल सुविधा हर चीज़ अवेलेबल है। काफ़ी बड़ा शहर है श्रीनगर, और ये श्रीनगर वो वाला नहीं है कश्मीर वाला, ये उत्तराखंड का श्रीनगर है और बहुत खूबसूरत भी है, क्योंकि हम आए थे वहीं से। एजुकेशन के मामले में वहाँ एजुकेशन भी है, ऐसे संस्थान वहाँ खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह। HNB के नाम से प्रसिद्ध है। HNB अच्छा, हेमंत नंदन बहुगुणा। अच्छा हाँ, वो गांव भी हमने देखा था रास्ते में। बुगानी पड़ा है 4 किलोमीटर। अच्छा ये बताऊंगा संग्रहालय है उनके बना हुआ। अच्छा ये बुगानी उन्हीं का गाँव है। बुगानी यहाँ नीचे में बताऊंगा, गाड़ी रोकूंगा सर आपके लिए। ठीक है, संग्रहालय बताऊंगा आपको, ये उन्हीं की देन है सर। ये रोड, बिजली, पानी, हमारी खिड़सू। उत्तराखंड के बहुत फेमस लीडर हुए हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, उनका गांव है यहाँ पे, वो यहीं पैदा हुए थे बुगानी गांव में, और यही उनका एरिया है। बहुत काम किया उन्होंने यहाँ के लिए, उनका संग्रहालय भी बना हुआ है, आपको दिखाएंगे आगे। बहुगुणा जी कई मंत्री पद पे भी रहे थे अपने समय में, यानी इसको जो सुधार के किया हुआ है ना, क्योंकि देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे रोड्स बनाए हुए हैं यहाँ पे सर, उन्हीं के देने। श्रीनगर ये धारी देवी 35 किलोमीटर, श्रीनगर 19, बुगानी 2 किलोमीटर आगे उनका गांव है। जी हाँ, बुगानी में। तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी पौड़ी के हैं। जी हाँ, खिरसू ब्लॉक। जी यार बड़ा खूबसूरत है ये पौड़ी का एरिया, गढ़वाल का अनछुआ है, अनटच्ड है। इतना यहाँ पे कोई भी इस तरह का जो कमर्शलाइजेशन होता है, व्यावसायिक जो करण होता है, व्यावसायिकरण जो मार्केटिंग वगैरह होती है ज़्यादा, उसके जो इफेक्ट्स भी पड़ते हैं, तो उन सबसे अनछुआ है, अछूता है अभी, बिल्कुल नैसर्गिक ब्यूटी है। उस तरह की एक्टिविटीज़ क्योंकि अभी यहाँ ज़्यादा नहीं है तो बचा हुआ है, नेचुरल ब्यूटी की भरमार है यहाँ पे, भरपूर ब्यूटी है। आप लोग आ सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना ही ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रेरित कर सकूँ कि इस एरिया में भी आए। पौड़ी गढ़वाल अनटच्ड है अभी तक,
मतलब उस तरह से नहीं है जिस तरह से और ज़्यादा हिल स्टेशन विकसित हो गए हैं और फिर वहाँ ख़राब भी हो गया है ज़्यादा डेवलपमेंट होने से। आप यहाँ पे आइए और यहाँ के होम स्टेज वगैरह में रुकिए ताकि यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के लोकल्स को भी रोज़गार मिले और आपको भी यहाँ की ब्यूटी को देखने का मौका मिल सके। वन्य जीव जंतु भी बहुत हैं यहाँ पे, है ना जी सर, लेपर्ड वगैरह भी हैं। तो इधर तो दिन दहाड़े दिखाई देता है। अच्छा जी। तो बट उसके लिए आपको यही करना है कि सुबह सूरज उगने से पहले बाहर ना निकले और शाम को सूर्य ढलने से पहले के बाद ना निकले। नरभक्षी बोलते हैं वो तो, अभी तो वो तो है नहीं, मैनिटर है नहीं, मैनिटर तो नहीं है, वो तो उसी से ज़्यादा खतरा होता है ना जी। हाँ नॉर्मल तो लेपर्ड वगैरह अगर दिख जाए तो इधर उधर हो जाते हैं। हाँ दाएं बाएं, दाएं बाएं। थोड़ा नीचे उतर के आ गया हूँ मैं रोड से, ज़्यादा नीचे नहीं है तो ये साथ में रोड पर यहाँ पे इस एरिया की डेवलपमेंट में, इस एरिया के विकास में काफ़ी हाथ है, काफ़ी काम किया है उन्होंने यहाँ पे, जो दिख भी रहा है रोड कंडीशंस वगैरह। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, चटक धूप है, आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। अच्छा अच्छा तो संग्रहालय तो बंद है अभी, हाँ वो 10 बजे के बाद 10:30 तक खुलता है और हमें अभी टाइम नहीं है, हम तो निकल रहे हैं। बस मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, तो अभी बंद है, अंदर जाके भी कोई फायदा नहीं है। ऊपर खड़े हुए वहाँ पे। अब आ रहा होगा वो सामने खड़े हुए। ये वाला है तो आप देख सकते हैं, ये वाला है क्लोज्ड है, अंदर नहीं जाएंगे अभी क्योंकि बंद है। और ये है खूबसूरत यहाँ का वातावरण, खूबसूरत दृश्य। एक रास्ता ये शायद गांव का है। चलते हैं वापस ऊपर, चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है 10:30 बजे तक रुकने का, इसलिए अब निकलते हैं वापस। साथ चढ़ गए मैं नीचे से भी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी का संग्रहालय देखने गया था, वो बंद है, जो इसको ओपन करते हैं वो भी आने वाले हैं। खैर मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, मेरे सांस फूल गया। एनीवे आप बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हरदेव सिंह रावत। हरदेव सिंह रावत जी जो हमें ऊपर से लेके आए खिड़ू से श्रीनगर तक छोड़ेंगे, साँचड़ी भी है, श्रीनगर तक छोड़ेंगे, बीच में हमें घुमाएंगे कई जगह, जैसे कि इन्होंने ये भी बताया हमें संग्रहालय। आप लोग खिरसू में या इस एरिया में आ रहे हैं तो इनको जी घुमाने के लिए, पर्यटन के लिए जी सर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप? आओ बताइए जी सर। वो कॉन्टेक्ट मेरा जो मूल निवास है, मैं खिरसू का रहने वाला सर, और मेरा मकसद ये है जो मैं पर्यटकों को यहाँ पे घुमाने ड्रॉप करने के लिए, तो मैं ये बोलता हूँ ये छोटी मोटी चीज़ें जो हाँ निकल जाते हैं ऐसे ही निकल जाते नहीं है उन्हें, कई लोग तो ऐसे ही निकल जाते, लेकिन मेरा जो अपना पूर्ण मकसद रहता है मैं बोलता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे म्यूजियम हो गया हेमवती नंदन बहुगुणा जी का, यहाँ पे हमारी गौरा देवी राजराजेश्वरी देवलगढ़, और यहाँ भी जा रहे हैं जी हाँ, अभी ये धारी देवी है तो उनने कहा वहाँ से घुमा के और आपको ड्रॉप, छोटे छोटे भी मंदिर पड़ते हैं बीच में जो होते हैं, उन्होंने कहा यहाँ थोड़ा सा देख लो सर, तो हमारे मकसद सर यही रहता है। और इससे बाकी क्या बोलना है, अब आगे जाते जाते तो अब आपको भी हरिद्वार पहुँचते पहुँचते रास्ते में गेट टेम्पल्स पड़ते हैं, तो अब अधिक ना बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, धन्यवाद। तो देखो क्योंकि ये लोकल है, हर चीज़ को जानते हैं, हम लोग गाड़ियों में ऐसे पास कर जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो रास्ते में पड़ते हैं वो ये बता सकते हैं। तो इनका फ़ोन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहें तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एरिया घूमने के लिए। अब चलते हैं आगे जी, ठीक है, थैंक यू।
निकल पड़े आगे गाड़ी गांव से। क्या ही खूबसूरत है सारा रोड। थोड़ा सा कच्चा आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा ही जरा सा ये आगे ठीक है। फिर तो ऐसे ही चल रहा है, जनरली रोड ठीक ठाक है। भटोली करके ये जगह है कोई गाँव का, भटोली नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, है ना। उतराई हो रही है ना, डाउन है। अच्छा ये लैंडस्लाइड हो रखा है क्या, ये सफ़ेद जो हो रखा है ना, वो लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड होता है, उसके बाद वो साफ़ कर देते हैं एरिया को, तो निशान रह जाता है। तो पक्का हो गया। हाँ वो पक्का कर दिया वो, है ना, पक्का कर दिया। चट्टाने लग गई ना। अच्छा शुरू कटिंग हुई थी तब हुआ था। अच्छा 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 हाँ, जब रोड के लिए कट किया होगा ना उस वक्त हुआ होगा लैंडस्लाइड, बाद में उसको पक्का कर दिया, सब बढ़िया कर दिया वहाँ पे। आप रोड देखिए क्या मजा आ रहा देखने में, वाओ। बंदर कितने सारे हैं। और ये जो है ये सामने दिख रहा है, ये है देवलगढ़, वो जो फेमस टेंपल है राजराजेश्वरी माता ऊपर वाला। अच्छा वो जो ऊपर है वो राजराजेश्वरी माता का वो वाला। हम लोग धीरे धीरे बस पहुंच रहे हैं देवलगढ़ का फेमस जो टेंपल है यहाँ का उसके पास, और उसी से थोड़ा सा ऊपर राजराजेश्वरी माता का भी मंदिर है, चलते हैं वहाँ। बस आ ही गए हैं, ऑलमोस्ट यहीं गए हैं। तो हम लोग आ गए हैं, देवलगढ़ पहुंच गए हैं, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको कवर करेंगे। देवलगढ़ के माँ राजराजेश्वरी टेंपल, देवलगढ़ का पूरा इतिहास जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हिस्ट्री के कुछ पन्ने पलटेंगे, बट ये सब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ बताए ये बहुत पवित्र सा ऐसे जैसे। अच्छा मतलब आ जाओ राज राजेश्वरी। अच्छा आप तो वहीं मिले थे ना, तो देवी और भैरव नाथ मंदिर है। और माँ भगवती को चुला चुलाते हैं।